नगर निगम सफाई व्यवस्था किस प्रकार चौपट हो चुकी है और नागरिक कितने परेशान हैं, यह वीडियो उसकी सच्चाई बयां कर रहा है। धनवंतरी नगर के लाल बाबा इलाके का यह वीडियो है। अमृतलाल मरावी नामक विकलांग व्यक्ति अपने घर के सामने नाली की सफाई करता नजर आ रहा है। अमृतलाल मरावी का कहना है कि पिछले 10 सालों से वह ऐसे बस्ती के लोग सफाई व्यवस्था बनाने के लिए सुपरवाइजर और नगर निगम के जिम्मेदारों से शिकायत करते चले आ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती, जिस वजह से मजबूरन यहाँ के लोगों को स्वयं ही अपनी नालियों का कचरा बाहर निकालकर सफाई करना पड़ता है, क्योंकि बरसात के समय नालियाँ जाम हो जाती हैं और जल प्लावन होता है और नालियों का पानी घरों में घुस जाता है। महाराणा प्रताप वार्ड में सफाई व्यवस्था चरमराने से कोई मामला ऐसा नहीं है जो सामने ना आया हो। इसके पहले भी इस बार की बहुत सारी कहानियां सामने आ चुकी हैं। नगर निगम प्रशासन सफाई व्यवस्था के नाम पर ठेकेदारों को लाखों रुपए का भुगतान कर रहा है। धनवंतरी नगर के लाल बाबा इलाके में एक विकलांग अपने घर के सामने की नाली को सफाई करने में जुटा है। इसे देख कर समझा जा सकता है नगर निगम की एकता पर चल रही सफाई व्यवस्था किस प्रकार चल रही है। जिला प्रशासन को कदम उठाना चाहिए और इस प्रकार के ठेकेदारों का ठेका तुरंत निरस्त करने की आवश्यकता है। महाराणा प्रताप वार्ड में नागरिक एवं अपने नालियों की सफाई कर रहे हैं, इसलिए प्रशासन को चाहिए महाराणा प्रताप वार्ड में सफाई का जो ठेका दिया गया है उस और ध्यान दिया जाए, उसे तुरंत निरस्त किया जाए और उसका भुगतान को भी रोका जाए और उसकी वसूली शासन द्वारा की जाए। बस्ती का नाम लाल बाबा, धनवंतरी नगर लाल बाबा, महाराणा वार्ड। आपका नाम? अमृत लाल मरावी। क्या समस्या है? समस्या सर ये नाली और पानी रोड, इसकी समस्या है सर जी। ये आप क्या कर रहे थे अभी? आप नाली साफ कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ कई बार हम लोगों ने गए पार्षद के पास, अन्य लोगों से भी कहा, लेकिन यहाँ का कोई सुनाई नहीं है। आते हैं एक लड़का पहुँचा देता है, नाली की समस्या ज़्यादा गंभीर है और ये घंटा करता हो चला जाता है। आपके यहाँ सफाई नहीं होती है? सफाई होती नहीं है। आपने पड़ा है यहाँ के सुपरवाइजर को शिकायत की? सुपरवाइजर को शिकायत तो की सर, लेकिन यहाँ कोई आता ही नहीं। CSI को भी शिकायत किया? CSI को भी काश की शिकायत किया सर, यहाँ कोई आता ही नहीं। अच्छा, आज 8-10 साल हो गए सर मजबूरी, यहाँ पर यही स्थिति है। क्या चाह रहे हैं आप? अब हम यही चाह रहे हैं कि नाली पानी रोड की समस्या अगर हल हो जाए तो गरीब के लिए इतने से ज़्यादा और क्या अच्छा हो सकता है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जबलपुर से आशीष बाथरे की रिपोर्ट।